नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर क्या सोचा तुमने? नहीं करुणा, मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ कर नहीं सकते या कुछ करना नहीं चाहते? दोनों बातों का नतीजा तो एक ही होता है। ये तो मेरी बात का जवाब नहीं हुआ। करुणा, ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ और ना ही कुछ करूंगा। करण अगर तुम्हारा भाई होता तो? ये अर्जुन का देश है और यहाँ देश का दुश्मन किसी का भाई नहीं होता। ये तुम्हें क्या हो गया प्रताप? क्या तुम केशव गोवर्धन और इकराम जैसे पेशावर झूठों की गवाही पर एक बेगुनाह को फांसी की सजा दिलवा सकते हो? गवाह झूठ बोल रहा है या सच, ये तय करना अदालत का काम है, मेरा नहीं। लेकिन करुणा, झूठ हर हालत में बुरा नहीं होता है। कुरुक्षेत्र में भी अगर धोखा नहीं दिया गया होता और झूठ नहीं बोले गए होते तो द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे सुरमा मारे ना गए होते और शायद पांडव हार गए होते। महाभारत में भी झूठ जगह जगह सच के काम आया है। करण का नाम क्यों भूल गए प्रताप? उसे तो आज भी धोखा दिया जा रहा है। और फिर तुम कोई अर्जुन नहीं हो और ना ही तुम्हें किसी ने अलग ले जाकर गीता का उपदेश दिया है। अगर मैं अर्जुन भी होता तो करण को मारने के लिए गीता का इंतजार नहीं करता, क्योंकि करण इस देश का दुश्मन है और ये देश हम दोनों से बड़ा है। देखो करुणा, तुम एक शरीफ लड़की हो इसलिए करण की सिफारिश करना तुम्हें शोभा नहीं देता। उसकी महबूबा या बीवी या बेवा बनने में कोई बड़ाई नहीं है। प्रताप! करुणा चली गई क्या? हाँ माँ, करण की सिफारिश करने आई थी। तू कायदे कानून का सावन बनकर बरस पड़ा होगा उस बेचारे पर। अरे कहाँ माँ। अरे माँ, ये तस्वीर यहाँ कैसे? क्या तू इसे जानता है? हाँ माँ, लेकिन तुम कैसे जानती हो? हाँ, एक जमाने में जानती थी, पर तू इसे कैसे जानता है? माँ, ये बच्चा करण है और ये दुर्गा बाई है जिसने पाल पोस कर करण को बड़ा किया और करण ने उसी का खून कर दिया। यस प्रताप। क्या कर रहे हो? करण के केस की तैयारी कर रहा हूं। करण छूटेगा या सजा हो जाएगी? छूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मौत की सजा मिलेगी हरामजादे को। हाँ, हरामजादा तो वो है ही, यूं क्यों देख रहे हो? उसके हरामजादा होने की बात मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है? मैं उसकी मां जो हूं। शोभा, उसे अपना नाम तो दिया नहीं, अपना घर तो दिया नहीं, अपना प्यार तो दिया नहीं, और आज देने भी चले हो तो फांसी। उसकी पैदाइश हमारा कसूर है और सजा भुगत रहा है हमारा बच्चा। किसी बच्चों की सी बातें करती हो, वो ये कभी साबित नहीं कर सकेगा कि वो हमारा बेटा है। क्या क्या कहा तुमने? वो ये साबित नहीं कर सकता? मैं तुम्हारे मुलजिम की बात नहीं कर रही हूँ, माँ हूँ, अपने बेटे की बात कर रही हूँ। क्या तुम दुनिया से कह सकोगी कि तुम एक नाजायज बेटे? तुम हमेशा मुझे दुनिया से डराते आए हो। क्या दुनिया के डर से मैं अपने बेटे को मर जाने दूं? क्या दुनिया के डर से अपने बेटे के खिलाफ वकालत भी करो?
क्या चाहती हो तुम? अपने एक बेटे के लिए दूसरे कुर्बानी दे दूं? तुम यही कर रहे हो। तुम अपने और प्रताप की बेइज्जती के डर से करण की कुर्बानी दे रहे हो। तुम बाप नहीं, सर से पांव तक बस एक इज्जतदार आदमी होकर रह गए हो। सवाल इज्जत का नहीं, सवाल उसूलों का है। मेरा ही एक बेटा रह गया है उसे लाजमाने के लिए। आपकी तबीयत तो ठीक है सिंह साहब? करण, मैं करण पुत्र नामालूम के लिए सजाए मौत की दरखास्त करता हूं। गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुलजिम करण को हकीकत में गुनहगार ठहराती है, इसलिए ताजरात हिंद दफा 302 के तहत मुलजिम करण पुत्र नामालूम को सजाए मौत का हुक्म देती है। मुझे अफसोस है करण, मैं तुम्हें बचा ना सकी। अरे वाह भैया, कमाल कर दिया। Thank you.
एक सूचना के अनुसार नामी स्मगलर करण, जो भरी अदालत से फरार हो गया था, अभी तक लापता है। पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है। इस सिलसिले में पुलिस को उसकी वकील मिस करुणा की भी तलाश है, जो उसी दिन से लापता है। अनुमान किया जाता है कि वे दोनों साथ साथ कहीं छिपे हुए हैं। उन दोनों का पता बताने वाले को सरकार की तरफ से 10,000 रुपये इनाम दिए जाएंगे और सरकार ये भी घोषणा करती है कि रेडियो बंद करने से करण का खतरा कम नहीं होगा। मियां, करण भागने में कामयाब हो गया है मजीद भाई, और आप यहां बैठे यू सिगरेट पी रहे हैं जैसे कुछ हुए ना हो। अरे होना क्या है मियां, करण अगर पुलिस से बच जाएगा तो हमारे हत्ते चढ़ जाएगा, हमसे बचेगा पुलिस के हत्ते चढ़ जाएगा, आखिर तो उसका अंजाम वही होना है ना, मौत। मुझे तो अपनी ही मौत दिखाई दे रही चारों तरफ। अरे मियां लाहौल पढ़ो, डरे और उससे मियां वो चीज क्या है कमबख्त है, ए मिर्ज़ा वो कौन सी कहावत है वो। अरे मजीद भाई, क्या पिद्दी का शोरबा आदा। पिद्दी खाते हैं आप? बड़ी लजीज होती है। मेरा तो यह डर के मारे बुरा हाल है, अगर मैं उसके हत्ते चढ़ गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो मियां उसके हत्ते मत छोड़ो तुम। मजीद भाई आप मेरा सारा कारोबार ले लीजिए, लेकिन मुझे करण से बचा लीजिए। देखो मियां, यूं तो तुम्हारा सारा कारोबार है ही मेरा, तुम्हारे पास ले दे के अपना कुछ है तो वह अपनी जिंदगी अपनी जान, और तुम्हारा मरना मेरे लिए बहुत नुकसानदेह होगा, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। मिर्जा जी, ये इबू भाई के बंगले में ले जा। नहीं नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, अगर मैं अकेला रहा तो करण के समय देख देख के मर जाऊंगा। देखो मियां, डर के मारे तुम सोगे नहीं, सोगे नहीं तो सपने नहीं देखोगे। ले जाते, नींद उसकी है दिमाग उसका है रातें उसकी है, तेरी जुल्फें जिसके बाजू पर परेशान हो गई। करण सेठ, करण सेठ, अपन को माफ कर दो करण सेठ, अपन तो क्या जूते के डर से सारा शैतान भी अरबी बोलना शुरू कर देता है। जूता तो मेरे पास भी है टोनी। करण सेठ, अगर हम कोर्ट में झूठ नहीं बोलता तो वो साला रंजीत अपन को खलास कर देता। और अगर कल कोर्ट में सच नहीं बोला तो हम तुमको खलास कर देगा। वो तो ये बात तुम एक राम और गोवर्धन से भी कह देना। करण सेठ, वो तो हम कह देगा, लेकिन तुमको साला रंजीत का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना होगा। फिलहाल तुम अपना बंदोबस्त करो, रंजीत से मैं निपट लेता हूं। तुम इन पर नजर रखो, मैं रंजीत से मिलकर आता हूं। तो प्रताप की माताजी है ना, फिर आप यहां क्या कर रही हैं? अब कौन सा सवाल बाकी रह गया है? लगता है आपको किसी ने यह नहीं बताया कि ये करण जैसे बदनाम स्मगलर का घर है, जिस पर आपके देवता समान बेटे ने मां के कत्ल का केस चलाया है, और जिसे आपके देवता समान पति ने बड़ी मेहनत से जिरा और बहस करके फांसी की सजा दिलवाई है। और अब आप यहां से जाइए, क्योंकि आपके सामने मेरी दुर्गा मां मेरे नाजायज माता पिता का नाम नहीं बताएंगी। मैं बताती हूं। आपको मेरे माता पिता का नाम मालूम है? हां, मुझे तुम्हारे माता पिता का नाम मालूम है, वो दोनों बड़े कायर हैं बेटा। आप मुझे बेटा मत कहिए। क्यों, क्या मैं मां जैसी नहीं? पता नहीं, लेकिन दुर्गा मां के अलावा किसी और को मुझे बेटा कहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं अपने माता पिता का बेटा नहीं हूं मिसेस सिंह,
मैं उनका पाप हूं, आप जानती हो ना? हाँ, उनकी मजबूरियां भी जानती हूं। ऐसी कोई मजबूरी नहीं हो सकती जो एक बच्चे से उसके हिस्से की लोरियां छीन ले, उसके मां बाप के प्यार की धूप छांव छीन ले। मजबूरियां थी बेटा। मैंने कहा ना कि आप मुझे बेटा ना कहिए, आप एक इज्जतदार आदमी की पत्नी हैं और एक इज्जतदार आदमी की मां हैं। बार बार मुझे बेटा कहकर अपने रिश्तेदारों की तौहीन ना कीजिए। मां अपने बेटे को बेटा न कहे तो और क्या कहे? तो ये कहिए कि आप कुंती की तरह कर्ण से अर्जुन की जिंदगी मांगने आई हैं। महाभारत की कथा तो मालूम ही होगी आपको, तो जाइए, मेरा जवाब भी वही है जो महाभारत में कर्ण का था। प्रताप की वजह से मेरी दुर्गा मां का कातिल आजाद घूम रहा है, मैं उसे इस जुर्म के लिए कभी क्षमा नहीं करूंगा। मुझे तुमसे कुछ कहने का अधिकार नहीं है। बेटा कह लूं? मैं आपके चरणों में बैठ जाता हूं, आप मुझे बेटा कहते रहिए। मां, 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 ये 29-30 सालों की प्यास कैसे बुझेगी? कितनी अजीब बात है, जब जिंदगी रही तो आप नहीं मिली, अब जो आप मिली हैं जिंदगी नहीं रही। मां, मैंने आपके मिलने की खुशी में आपके बेटे प्रताप को क्षमा कर दिया, अब तो खुश हो ना मां? मैंने तुम्हारे बेटे की जिंदगी बख्श दी। मैं तो तुम दोनों की जिंदगी चाहती हूं बेटा। ओह, ये तो तुम्हारी ज्यादती है ना मां, मेरी जिंदगी तो मेरे बस में है ही नहीं। प्रताप को तो तुमने कितनी बार लोरियां सुना सुना कर सुलाया होगा, एक बार सोने से पहले मैं भी लोरी सुनूंगा, मेरे सर पे हाथ रखकर मुझे कोई आशीर्वाद दो मां। भगवान मेरे बेटे को लंबी उम्र दे। मां, मैंने आपके मिलने की खुशी में आपके बेटे प्रताप को क्षमा कर दिया, अब तो खुश हो ना मां? मैंने तुम्हारे बेटे की जिंदगी बख्श दी। मैं तो तुम दोनों की जिंदगी चाहती हूं बेटा। ओह, ये तो तुम्हारी जात। आ गए ऊपर वाले, आ गए। आदावर साहब, मजीद भाई, खान साहब। क्या बात है बेड़ो लोग? क्या अर्ज करूं मजीद भाई, हम तो आपकी नजर इनायत के सहारे जिंदा हैं। एक सेकेंड, मेरी काहे के सहारे जिंदा हैं ये लोग मिर्जा जी? हुजूर, ये आपकी मेहरबानी के सहारे जिंदा हैं। ये साला मेहरबानी बहुत ऊबड़ खाबड़ लगता है, तुम क्या बोला था इकराम? हुजूर, नजर इनायत निगाहे करम। ये मिर्जा तुम ऐसा साला क्यों नहीं बोलते रे, कितना अच्छा बोला ना मिर्जा। ये इनायत पर गालिब ने कोई शेर वेर ठोका है ना? है ना, है ना, है ना। तुम याद करो, हम बात करता है क्यों फेकू? हम तो साहेब आपके चाकरों का चाकर, आपके सेवकों का सेवक, पर जीवित रहे तो सेवा करेंगे ना साहेब। तुम लोगों को मरने के लिए कौन बोला था बेड़ो? मिर्जा, मौत का एक, हाँ मिर्जा तरन्नुम में, मौत का एक दिन मुअय्यन है। ओके,
नींद क्यों रात भर नहीं आती। नींद कैसे आएगा सेठ, करण साला अपन का गला पकड़ लिया और बोला टोनी अगर तुम कुल सच्चा सच्चा बयान नहीं दिया तो खलास कर देगा। अरे वो करण क्या खलास करेगा तुमको, हमारे होते हुए तुमको किसी बात का फिक्र नहीं होना चाहिए। अपन तुमको ऐसी जगह ले जाकर छुपाएगा, ऐसी जगह छुपाएगा जिधर मिर्जा जी हुजूर अपन को कौन सा मुहावरा याद नहीं आ रहा अभी। जी वो परिंदी के पर ना मारने वाला। हाँ वोच, अपन तुम लोगों को ऐसी जगह ले जाकर छुपाएगा जिधर परिंदा भी पर भी नहीं मारते। परिंदे वृंदे के पर से तो अपन मरने वाला भी नहीं मजीद भाई। लेकिन वो करण की गोली से अपन को कौन बचाएगा। ए करण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता समझे, जाके सो जाओ। डर के मारे नींद भी कैसे आवेगी साहब। मिर्जा नींद तो फांसी के तख्ते पे भी आ जाती है। उधर सोने का अपन को प्रैक्टिस नहीं है सेठ। तुम फिक्र मत करो, अपन सुलाएगा तुमको और इतनी गहरी नींद सुलाएगा कि जिंदगी में कभी सोया नहीं होगा तुम लोग। ये तो साफ साफ करण की हरकत मालूम पड़ती है साहब, वो आदमी तो बड़ा ही हरामजादा निकला। अरे अभी तक पेपर पढ़ रहे हो, तैयार हो जाओ, कोर्ट चलना है कि नहीं। चलना कैसे नहीं है, आज तो केस रीओपन होगा ना, दुर्गा माँ और जमुना के कातिलों की फांसी का रास्ता निकलेगा। आज का दिन तो मेरे जन्मदिन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करण, मजीद भाई ने गोवर्धन टोनी वगैरह को खलास कर दिया और पुलिस ये समझ गई कि ये सब काम तुम्हारा है। तब तो ये केस रीओपन नहीं होगा करण। ये केस रीओपन होगा करुणा, अब ये केस सरकारी अदालत में नहीं बल्कि मेरी अदालत में खुलेगा। जी हुजूर, हमें इस वक्त कौन सा मुहावरा याद नहीं आ रहा। वो मौत से इतनी दहशत क्यों। हाँ 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 मिर्जा,
हमारे दोस्त को सुर बड़ा अच्छा लगता है तरन्नुम में। जी जी अभी लीजिए। मौत से इतनी दहशत क्यों, जान क्यों इतनी अजीज है, अरे मौत आने के लिए और जान जाने के लिए। अरे मैं मिर्जा इतना मत घबराओ, और फिर इस हरामजादे का वजूद इस धरती पर एक बोझ ही तो है। मेरे दिमाग पर भी बोझ है। यमिया करण, फेकू, इकराम, गोवर्धन और टोनी, इन सब से दोबारा बयान दिलवाने से तुम्हारा मकसद ये था कि तुम साबित करना चाहते थे कि फूल वाली का रेप तुमने नहीं किया और दुर्गा का मर्डर भी तुमने नहीं किया। तुम यहाँ अगर ये काम तुमने अंजाम नहीं दिए तो फिर किसने किया ये काम? मजीद भाई, क्यों मियां रंजीत, जमुना का रेप करते हुए बुआ ने देख लिया था और फिर मैं करता भी क्या। करण मरने के लिए अपने अर्जुन के पास आ ही गया। नहीं भैया ऐसे मत कहो। प्रताप मरते समय कोई झूठ नहीं बोलता। मुझे गौरव है कि तुम मेरे भाई हो। पिताजी, मां मेरा सर अपनी गोद में ले लो मां, ताकि मैं तुम्हें अपने भाई को और पिताजी आप इतने दूर क्यों खड़े, मेरे पास आइए ना पिताजी, जल्दी आइए पिताजी। पिताजी बेटे मुझे माफ कर देना। तुम क्यों रो रही हो?
ऐसी मौत तो दानवीर करण को भी नसीब नहीं हुई होगी। उसके पास तो कोई नहीं था, और मेरे पास मेरा भाई है, पिताजी है, और माँ।